JEE मेन 2020 के 7th जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. पहला, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर. दूसरा, ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज. तीसरा, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय HNO3. फोर्थ है, ग्लूकोनिक एसिड इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. मैं आपको बताऊं, ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये है, देखो इसमें पहला OH राइट में, फिर दूसरा OH लेफ्ट में, फिर तीसरा और चौथा OH भी राइट में, और ये CH2OH, दिस इज ग्लूकोज. डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ठीक है ना. डी और एल इस फिफ्थ वाले कार्बन से डिसाइड होता है, ठीक है. तो डी हो या एल हो, ठीक है. अगर मान लो इस ग्लूकोज का हम Br2 वाटर से ऑक्सीडेशन करवाएं, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड. अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 वाटर से करवाएं तो ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है, जिसमें CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH में, और ये प्रोडक्ट कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड. अगर हम इसी ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 से करवाएं, जिसका जिक्र की इसमें एक ऑप्शन में किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज स्ट्रांग एनफ टू ऑक्सीडाइज बोथ दीज टर्मिनल OH ग्रुप्स इनटू COOH, राइट. तो ये एक, दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड, जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सैक्रिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड भी बोल देते हैं इसको. बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें अपर मोस्ट कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर COOH बना लेगा. लेकिन अगर आप स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो दोनों ही कार्बन, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, 1 और 6, दोनों ही कार्बन COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ये इसका नाम होगा सैक्रिक एसिड, और ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है. बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, ये जो ग्लूकोज है, इसके पांचवें कार्बन का जो OH है वो यहां अटैक करके और ऐसे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है, जो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहलाती है. लेकिन यहां पर ग्लूकेरिक एसिड का पांचवां कार्बन का OH इसको नहीं कर पाएगा, ये साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, ठीक है ना. तो पहला स्टेटमेंट है, ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल और एसिटल स्ट्रक्चर, वो गलत है, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा. दूसरा स्टेटमेंट है, ग्लूकोनिक एसिड इज ए पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये सही है. सेकेंड इज करेक्ट बिकॉज इट इज ए पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. पार्शियल ऑक्सीडेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाला प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जो था आखिरी वाला, ये भी ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल रहता है, बट Br2H2O is capable of oxidizing only carbon number 1, ठीक है ना. तो दूसरा स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया और यही हमारा आंसर हो चुका है. लेकिन तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं. ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय HNO3. वी नो दैट इफ यू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज बाय HNO3 देन यू विल गेट सैक्रिक एसिड एंड नॉट ग्लूकोनिक एसिड. सैक्रिक एसिड इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है. और आखिरी स्टेटमेंट है, ग्लूकोनिक एसिड इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी गलत है, क्योंकि सैक्रिक एसिड तो डाइकार्बोक्सिलिक है लेकिन ग्लूकोनिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है. तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया? 2. स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट्स व्हाई आंसर विल बी आंसर 2.